गाइस मैं जो था वहाँ जा रहा था बेवफा चाय वाले भैया के पास, शॉप के पास। तो रास्ते में यहाँ गांधी मैदान के पास, यहाँ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और इसका रीज़न है कि मूर्ति विसर्जन हो रहा है जहाँ दोस्तों, तो इसी कारण पूरा जो है यहाँ भीड़ लगा हुआ है। चलिए आगे चल के मैं आप लोग को सारा सीन यहाँ का दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं मैं जो जा रहा था वहाँ बेवफा चाय वाले भैया शॉप के पास, और यहाँ जो है मूर्ति विसर्जन हो रहा है जहाँ की काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। गाइस आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, और पूरा जाम लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं मैं बंद कर रहा हूँ नहीं तो कॉपी राइट पड़ जाएगा यार। बहुत ज़्यादा भीड़ है, पूरा जो है मतलब जाम लगा दिया है, इतना ज़्यादा भीड़ है कि आप देख सकते हो पूरा गाड़ी बंद है, लगा पड़ा हुआ है। अनुरोध है पूजा समिति के तरफ से और प्रशासन से भी अनुरोध है, लोगों के बीच में जो हुई है अभी ऑफिसर से बात हुई है, लेकिन डीएम साहब के आदेश से उनका कहना है कि वहां पर बैंड कर दिया गया है। अब जो है ये जो है सेतपुर छत्रावास का जो है विसर्जन हो रहा है, और पटेल छत्रावास का जो विसर्जन है वो 19 को होगा यानी कि कल होगा। तो गाइस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कल का जो है पटेल छत्रावास का विसर्जन, और आज का आप लोगों ने देख लिया कि कितना ज़्यादा यहाँ भीड़ है, आप एक अंदाजा लगा सकते हो पूरा मतलब भीड़ से पूरा रोड जाम लगा हुआ है, और पूरा प्रशासन यहाँ है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सोशल मीडिया का लाइन पड़ा हुआ है, इतना मतलब सोशल मीडिया वाले आए हैं, इतना यूट्यूबर इतना न्यूज चैनल वाले कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जहाँ देखो वहाँ कैमरा लेके सब कोई पड़े हुए हैं, न्यूज रिपोर्टिंग यूट्यूबर ब्लॉगर सब कोई आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, अरे गजब का सीन लग रहा है गाइस, विसर्जन तो ये हुई ना। विसर्जन तो ऐसे होना चाहिए पूरा धूमधाम से, दर्शकों का सहमति से, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस जैसे जब विसर्जन होता है।